पब्लिक टीवी आपकी आवाज। पागबड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत 27 दिसंबर की सुबह आरटीआई कार्यकर्ता कासिम घर से ऑटो द्वारा मुरादाबाद के लिए निकला था। देर रात्रि तक घर वापस न लौटने पर परिजनों द्वारा पागबड़ा थाने में सूचना दी गई, लेकिन पागबड़ा पुलिस पर आरोप लगा कि उसने इस केस में किसी प्रकार की कोई दिलचस्पी नहीं ली और आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने को लेकर कई बार कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन भी हुए। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर शामली के किठर क्षेत्र में कासिम का अर्धनग्न शव बरामद कर लिया। परिजनों में मौत की सूचना पर मातम छा गया। तो कोई थे पुलिस में, पहले तो मालूम ही नहीं पता कौन था वो लोग, कौन थे वो। एक शख्स था, आदमी थे, मुरादाबाद में थे, उनके साथ देखा वीडियो, वो तो वीडियो में आ गए थे कि हाँ ये आदमी लेके जा रहे हैं, बस में उनके साथ गए। अब पता नहीं आगे कहाँ गए, वो तो मना कर रहे हैं, मुझे मालूम नहीं, मुझे मालूम नहीं। एक मैडम है, मैडम से बात हुई, बात हुई थी उस टाइम, वो तो कैमरे में आ गए हैं, आसपास के कैमरों में आ गए हैं कि हाँ मैडम के ऑफिस में गए हैं। फिर वो चले कहाँ गए, गए तो हमसे मुरादाबाद कह के गए थे बस, फिर आगे कहाँ चले गए मैडम को ही पता होगी, वो मैडम से ही मालूम करो। हमें तो भाई मैडम पे शक है कि मैडम लास्ट टाइम मैडम के पास ही गए हैं, और वो आदमी जो है बस उसके साथ लास्ट टाइम देखा है, तो उसी से मालूम करो ना। जानकारी के अनुसार थाना पागबड़ा के जुमेरात के बाजार निवासी कासिम सैफी का 38 वर्षीय पुत्र कासिम सैफी 27 दिसंबर की सुबह ऑटो द्वारा मुरादाबाद के लिए किसी काम के लिए बताकर निकले थे, लेकिन देर रात्रि तक घर ना पहुंचने पर परिजनों में चिंता व्याप्त हो गई। उन्होंने पागबड़ा थाने पहुंचकर उसके घर न पहुंचने की सूचना दी। अगले दिन भी उसके घर न पहुंचने पर परिजनों द्वारा लिखित सूचना दी गई। उसके बाद पुलिस पर आरोप लगा कि वो संदिग्ध आरोपियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, तब कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर एसएसपी को ज्ञापन सौंपा गया। उसके बाद भी पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद आज सुबह परिजनों को सूचना मिली कि कासिम का शव शामली में मिला है, जिसके बाद परिजनों के होश उड़ गए। परिजन भी शामली पहुंचे और शव का पोस्टमार्टम कराकर मुरादाबाद के लिए रवाना हुए। इसमें थाना कांदला क्षेत्र में 13-14 दिन पुरानी डीप कंपोज्ड अवस्था में मृत शरीर मिला है। उसके बारे में जानकारी यही है कि उस व्यक्ति के बारे में जनपद मुरादाबाद के थाना पाकबड़ा में 27 दिसंबर के करीब अपहरण का मुकदमा उसके उस मामले में दर्ज है, और इसमें था कि अपहरण करके उसकी हत्या कहीं की गई है। इसमें पाकबड़ा पुलिस जो है मुरादाबाद जनपद की, वो एक मुलजिम को गिरफ्तार करके यहाँ पे आई हुई थी, और उसी मुलजिम की निशानदेही पर वो मृत शरीर बरामद हुआ है। इसमें बाकी की कार्रवाई, चूँकि मुकदमा वहाँ पे दर्ज है तो मुरादाबाद पुलिस को करना है। हमारी थाना कांदला पुलिस ने जो मदद हो सकती थी उसमें की है, बाकी आगे कार्रवाई मुरादाबाद पुलिस द्वारा की जाएगी। सर, क्या लग रहा है कि अपहरण के बाद हत्या की गई है? ये उन्हीं का इन्वेस्टिगेशन का मसला है, ये मुरादाबाद पुलिस में थाना पाकबड़ा के द्वारा ये सब काम किया जा रहा है। ऐसा है, कासिम सैफी एक आरटीआई कार्यकर्ता थे और हमारे संगठन के सदस्य भी रहे, और 8 दिन पहले की घटना है। इस संबंध में हमने जो है मुरादाबाद के कप्तान साहब से भी बात करी थी, जो हमारे सूचना आयुक्त हैं माननीय हाफिज उस्मान साहब, हमने उनसे भी बात की थी, और उन्होंने इस मामले में उच्च स्तरीय अधिकारियों से बातचीत की थी। ये योगी जी की सरकार और मोदी जी की सरकार की सबसे बड़ी लापरवाही है। ऐसा प्रकरण ये मुरादाबाद में ही नहीं हुआ है, गुजरात में आप देखें वहाँ भी हत्याएं हुई, बिहार में भी हत्याएं हुई और झारखंड में भी। एक तरीके से जिस वक्त माननीय नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, तब भी आरटीआई कार्यकर्ताओं पर सबसे ज़्यादा हमला वहाँ हुआ, और आरटीआई नियम को ख़त्म करने के लिए सरकार ने अपनी ताकत झोंकी थी। अब ये केंद्र में आ गए हैं, वही देखा था आरटीआई कार्यकर्ताओं को जड़ से ख़त्म करने का, मरवाने का, ये फिर कह सकते हैं आरटीआई कानून ख़त्म करने की जो उनकी प्राथमिकता है उसी के आधार पर इन्होंने जो है इस मामले में सख्ती नहीं दिखाई। क्योंकि जो हमारा आरटीआई कर्ता कासिम सैफी था, 3 महीने से लगातार वो ये बता रहा था कि इसकी जान को खतरा है और उन्हें सुरक्षा मांगी थी। इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सन 2010 में एक आदेश करा था कि कोई आरटीआई कर्ता अगर वो सुरक्षा मांगता है, अपनी जीवन का भय दिखाता है, तो थाने स्तर से कम तत्काल उसको सुरक्षा दी जाए। जब ये सुरक्षा नहीं दी गई, इस मामले में हमने लगातार आंदोलन करे, तो माननीय मुख्य सूचना आयुक्त जावेद उस्मानी साहब ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव थे उस वक्त आलोक रंजन जी, उनको एक क्या कहते हैं परिपत्र भी जारी करा था। उस परिपत्र के आधार पर 2018 में ही एक आदेश जारी हुआ था कि तत्काल इस पर निर्णय लिया जाए और तत्काल उनको सुरक्षा दी जाए। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी चूक कह सकते हैं या लापरवाही कह सकते हैं,
कि इसको बचाया जा सकता था आरटीआई कार्यकर्ताओं को, और देश को बहुत बड़ी हानि एक आरटीआई कार्यकर्ता के मरने से हुई है, जिसका पूर्ति मेरे ख्याल से ये सरकार नहीं कर पाएगी, और समाज को एक बहुत बड़ा नुकसान एक आरटीआई कार्यकर्ता की इस हत्या से हुआ है।